केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की इन दिनों हर तरफ आलोचना हो रही है। दरअसल झारखंड के रामगढ़ जिले में मॉब लिंचिंग मामले में दोषी करार दिए गए 8 लोगों को जमानत मिलने के बाद जयंत सिन्हा ने फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया था। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री हत्या के मामले में अदालत से दोषी करार दिए गए लोगों का इस तरह से स्वागत कर सकता है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार और बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को टैग कर लिखा कि आपका पूर्व छात्र इन दिनों गौ हत्या के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को सम्मानित करने में लगा है। Now if a union minister gets photographed with them in his house and starts garlanding them, then it's very clear that the ruling regime at the center and the state are not interested at all in bringing justice to the lynch victim, but they want to protect the accused. What is the message which goes? The message goes that no, we are not going to appeal. बता दें कि पिछले साल 29 जून को भीड़ ने रामगढ़ जिले में एक शख्स को गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 11 लोगों को दोषी करार देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 12वां आरोपी एक नाबालिग है और उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।